एलिशा, भविष्य वक्ताओं ने तुझे बताया है कि एलिया जल्दी हमें छोड़ने वाला है। तू क्या कर रहा है? स्वामी, तुझे यरीहो में भविष्य वक्ताओं ने क्या बताया एलिशा? स्वामी, उन्होंने मुझे बताया कि जल्दी आपको उठा लिया जाएगा। यहोवा चाहता है कि मैं यरदन नदी तक जाऊं, लेकिन तुझे यहीं रहना चाहिए। मैं यहोवा और आपके जीवन की शपथ लेता हूं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। एलिया एलिशा के साथ क्या कर रहा है? देखो, उसने नदी को दो भागों में बांट दिया। ये तो एक चमत्कार है। एलिशा, यहोवा जल्दी ही मुझे उठा लेगा। इससे पहले कि ऐसा हो, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? कृपया अपनी आत्मा का दोगुना भाग मुझ पर होने दें। तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा, बिल्कुल नहीं। एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? एलिशा आ रहा है। एलिया की आत्मा एलिशा पर ठहर गई है। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहा की जांच करो गिज। एक थ्री सूचक पूरा दिन।
बस थोड़ा ऊंचा। हे, जॉय, तुम यहाँ क्यों छिप रही हो? मैं छिप रही हूँ ताकि कोई मुझे ना देखे। 90% से ज्यादा यही मकसद होता है छिपने का। ठीक है, और तुम क्यों नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखे? क्योंकि ये बहुत शर्मनाक है, देखो इसे। पिछले साल जन्मदिन की पार्टी मैंने तुम्हें चुनौती दी थी, तो इसमें क्या? बादरा नाम की लड़की को ये वीडियो मिल गया और उसने केक को अन्य खाद्य पदार्थों का रूप देकर वीडियो बनाई, देखो। दोस्तों, ये मजाक नहीं है। ये इतना मजाक क्यों नहीं है? कहना तो उसने दुनिया भर को दिखाने के लिए इसे अपलोड किया। प्लीज जॉय, इसकी क्या संभावना है कि वो वायरल हो जाएगा? मेरा डेटा स्कैनर बता रहा है कि पहले से ही 17,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। मैं क्यों? हे जॉय, उन डिब्बों में तुम बचा हुआ खाना ढूंढ रही हो? बाद में मिलते हैं वीडियो स्टार। बहुत हुआ, मैं अभी बारबरा को ठीक करती हूँ। मेरे पास भी उसका एक वीडियो है, देखो। 3 सप्ताह पहले पेप रैली प्रैक्टिस का बारबरा दुनिया के शिखर पर थी। मैं इसे ऐसे पोस्ट कर रही हूँ, cheerleader gets thrashed। वीडियो पोस्ट करने के लिए तैयार। जॉय, तुम्हें यकीन है कि तुम्हें ये करना चाहिए? रहम नहीं। सुपर बुक। नहीं रुको, मुझे पोस्ट करने दो जरा। मैं तुम्हें ऐसे आदमी से मिलवाने ले जा रहा हूँ जिसने अपने शत्रुओं पर दया करते हुए वो सब किया जो परमेश्वर ने कहा। इन्फो स्कैन करके पता लगाओ हम कहाँ हैं गिल्स। मेरे जियो सेंसर्स के मुताबिक हम जॉर्डन नदी पर पहुँचे हैं और साल है लगभग 848 ईसा पूर्व। वाओ, यर्दन नदी लंबरजैक क्लब यकीनन आज व्यस्त है, पता नहीं वो क्या बना रहे हैं। असाफ, क्या तुम आराम कर रहे हो? एलिशा, मैं नहीं जानता मैं क्या कहूँ। मैं यहाँ ये पेड़ काट रहा था जब कुल्हाड़ी हत्थे पर से छिटक कर नदी में गिर गई। ओह, शायद मैं अपनी सोनार स्कैन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। उसका मतलब है कि मैं क्रिस हूँ, ये जॉय है और वो गिज़्मो है। मैं एलिशा हूँ। असाफ और अन्य लोग घर बनाने के लिए लकड़ी काटने में मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इसके साथ और ज्यादा नहीं काट सकते मेरे दोस्त। हमने तुम्हें सुन लिया, कहते हैं कि तुमने अपने कुल्हाड़ी पानी में नदी का तल छान डाला। मुझे खोई हुई कुल्हाड़ी नहीं मिल रही। और एक नई कुल्हाड़ी की कीमत मेरे लिए बहुत अधिक है। ओ जनाब, वो उधार मांगी हुई कुल्हाड़ी थी। वो कहाँ गिरी थी? वो क्या कर रहा है? ओ, वही पुराना दस्तूर, लकड़ी फेंको कुल्हाड़ी ढूंढो। ये काम नहीं आएगा, मुझे नीचे कोई कुल्हाड़ी नहीं दिखी। मेरा विश्वास करो, मेरे सुनार पर विश्वास करो। लोहा तो तैरता नहीं है। स्वामी, अब उसे ले। आपने इसे ढूंढ लिया, ये तैर कर आई। ओ धन्यवाद, मैं इसकी मरम्मत करके वैसे ही लौटा दूंगा जैसे मैंने उधार ली थी। धन्यवाद स्वामी। उसने ये कैसे किया? ये एक चमत्कार था,
वही कुल्हाड़ी नदी में ऊपर आ गई, जबकि मैं सोच रहा था कि मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया। और तुम्हें पता है तुम एक अच्छी संगत में हो असाफ, यहाँ तक कि स्वयं इसराइल के राजा की भी उस दोगुनी शक्ति ने सहायता की जो एलिय्याह ने मेरे स्वामी को प्रदान की थी। एलिशा ने राजा के लिए क्या किया? हम सभी जानते हैं कि सीरिया के लोग हमारी जमीन पर छापे मारते रहे हैं, हमारा अनाज और जानवर चुराते हैं। जब इसराइल के राजा यहोराम ने उनके विरोध में कूच किया, उन्होंने उनकी सेना के लिए घात लगाकर हमले किए, लेकिन एलिशा ने हर बार राजा को चेतावनी दी और वो उनके हमलों से बच गया। लगता है मेरा स्वामी हर बात जानता है जो सीरिया का राजा कहता है, यहाँ तक कि उसके खुद के कमरे में की हुई बातचीत भी। इसलिए हमारे घात लगाकर किए हमले असफल होते थे। अपने राजा को वो बताओ जो तुमने मुझे बताया था। मेरे प्रभु, मुझे पता चला है कि इजरायलियों को आपके युद्ध योजना के बारे में कौन बता रहा है। वो कौन है? वो एलिशा नाम का एक इजरायली है, वो एक भविष्यवक्ता है, वो अपने राजा को सब कुछ बता सकता है, यहाँ तक कि आपके खुद के कमरे में हुई बात तक भी। पता करो कि वो कहाँ है। वो और उसके अनुयायी दोतान नगर के रास्ते पर हैं। लेकिन उनका परमेश्वर हमें देख सकता है, हमारी सेना कभी इस लायक नहीं होगी। खामोश! भले ही कुछ भी हो जाए, मैं एलिशा को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दोतान शहर के बाकी सब लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। और ये देखने के लिए तू वहां होगा। जॉय, क्या अभी तक तुम पर उस वीडियो का जुनून सवार है? मुझे इसे और भी शर्मनाक बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। शायद इसमें एक तेज गाने की जरूरत है। मैं आकाश में वाहवाही कर रही हूँ, डू डू डू। महसूस होता है मैं सच में उड़ सकती हूँ, डू डू। लेकिन फिर मेरी टीम कमजोर पड़ गई, अब मैं एक मुर्ख जैसी दिख रही हूँ, शायद कूड़ेदान में बैठने से खुजली हो गई है। और अब मैं क्या तुम सच में इसे इंटरनेट पर डालने वाली हो जब हम वापस जाएंगे? हे, पहले उसने मेरे साथ ये किया, मेरा भी बराबरी का पूरा अधिकार है। ऐसा लगता है तुम्हारा शत्रु है। हाँ, और उसने मेरे साथ जो किया वो माफी के लायक नहीं है, और इसलिए मैं उसे सबक सिखाऊंगी। आँख के बदले आँख। बिल्कुल, और वो सब कुछ के लायक है जो मैं उसे देने वाली हूँ। कभी कभी शत्रु निर्दयी होते हैं। सही कहा। हमला! एलिशा, हम पर हमला हुआ है, हमला! दोतान के लोगों, मेरी बात सुनो। उस भविष्यवक्ता एलिशा को बाहर भेजो, नहीं तो मैं दीवारों को तोड़कर अकेले ही उसे तबाह कर दूंगा। स्वामी, हम क्या करने वाले हैं? डरो मत, क्योंकि जो हमारे साथ हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनके साथ हैं। प्रभु, उसकी देखने में मदद कर। मैं उन्हें देख रहा हूं स्वामी। आदमियों तैयार हो जाओ, कोई दया नहीं, उन्हें तबाह कर दो। इन लोगों को मार, मैं प्रार्थना करता हूं अंधा बना दो। सेनापति, क्या हो रहा है? मैं देख नहीं सकता। वो सब अंधे हो गए हैं। पीछे मत हटना,
अपनी जमीन पर डटे रहो, जीत हमारी होगी। कौन है वहां? बोलो नहीं तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। ये रास्ता नहीं है और ना ही ये नगर है। हाँ? मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें उस आदमी तक ले जाऊंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। एक साथ है ना, उस आदमी को पकड़े रहो जो तुम्हारे सामने है। तुम क्या शर्त लगाना चाहते हो कि अब वो उनसे बदला लेने वाला नहीं है? जॉय, मैं उसके बारे में नहीं जानता। खैर, मैं यही करती। सीरियाओं ने यहाँ आने की हिम्मत की? देखो, एलिशा उनके साथ है। और उसने हमारे शत्रुओं को अंधा कर दिया है। हम रुक क्यों गए? हम कहाँ हैं? मैंने कहा था ना, ये ऐसा ही कुछ करेगा। प्रभु, अब उन्हें फिर से देखने दे। क्या मुझे उन्हें मार डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या हम युद्ध बंदियों को मार देते हैं? उन्हें खाने पीने को दो और उन्हें वापस उनके स्वामी के पास घर भेज दो। हमारे जानवर और अनाज चुराते हैं और तू चाहता है मैं हमारा खाना उन्हें दूं? ये सब हमारे शत्रु हैं। हम यहां एलिशा को पकड़ने आए थे क्योंकि वो हमारे राजा के शत्रुओं की मदद करता था। उसके परमेश्वर की शक्ति द्वारा उसने हमें अंधा और असहाय बना दिया था।
लेकिन उसने हम पर दया दिखाई और हमारी आंखें खोल दी। कोई दया नहीं, उसने दया दिखाई। इस दिन से हम इज़राइल की भूमि पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। वापस आकर कितना अच्छा लगता है। और मेरी परमाणु घड़ी के अनुसार हम केवल कुछ मिनटों के लिए गए थे। बहुत अच्छे। मैं हूँ जॉय। मेरे पास तुम्हारा एक वीडियो है बारबरा। कैसा लगेगा यदि मैं इसे अपलोड कर दूं और पूरी दुनिया इसे देखे? नहीं। हाँ? वीडियो डिलीटेड। तुमने ये नहीं किया? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना है, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे साथ कुछ बुरा किया। जॉय, मैं शर्मिंदा हूँ उस वीडियो के लिए जो मैंने बनाई थी। वादा करती हूँ अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, धन्यवाद। मैं फिर तुमसे मिलती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है वो सच बोल रही है जॉय? क्या वो फिर कभी ऐसा कोई दूसरा वीडियो पोस्ट नहीं करेगी? मैं नहीं जानती, पर मुझे खुशी है मैंने उसका वीडियो पोस्ट नहीं किया। मुझे लगता है मैंने अपना सबक सीख लिया। जीवन नया करो, आप में जियो, मेरी मदद करो, बदलो जीवन नया करो, जीवन नया।